नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, में कीर्ति लेकर हाजिर हूं। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। पंचायत चुनाव आते ही शुरू हुआ वारदातों का सिलसिला। अज्ञात बदमाशों ने मारी प्रधान पुत्र को गोली। चुनाव प्रचार करते समय बदमाशों ने वारदात को जीत दिया अंजाम। गोली लगने से प्रधान पुत्र की हालत गंभीर। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, उस तरह से तमाम तरह के वारदातों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। प्रधान पुत्र को गोली मारने की वारदात सामने आई है आजमगढ़ से। महेश, खबर इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किन वजहों के चलते गोली मारी गई है, क्या कुछ वजह इस पूरी पूरे मामले पर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता चले कि आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एक देवारा गांव पड़ता है, जो प्रचार प्रसार करके अपने आवास पे जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने इनके ऊपर गोली मारी। गोली फायर करते हुए बदमाश फरार हो गए। और कई बार जानकारी ये भी देते हैं आपको कि अभी तक हालत उनके साथी को भी इनके लगी हुई गोली है, अभी तक कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गोली मारी गई है इन्हें, अभी तक इस बात का पता नहीं चला है। अभी अब एक वेदांता प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें उनका उपचार अभी चल रहा है, जिनके एक साथी भी उनके साथ घायल हो गए हैं, जिसको भी अभी तक पुलिस से भी जांच में जुटी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पंचायत चुनाव करेंगी। माफ कीजिएगा, महापंचायत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी बैठक यूपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ। ये बैठक पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी रहेंगे मौजूद। 1 अप्रैल को होगी नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी पंचायत चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी बैठक करेंगी, जिसमें अजय कुमार लल्लू भी शामिल होंगे। वहीं पदाधिकारियों की बैठक में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव पर रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी, जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी। वही दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी हिंसा का मामले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हिंसा के मामले में आरोपी दीप सिद्धू की जमानत पर सुनवाई टली। जमानत याचिका पर सुनवाई 2 बजे तक टली। तीस हजारी कोर्ट ने पुलिस से जवाब देने को कहा। की मथुरा से सामने आ रही है, रऊफ शरीफ की मथुरा कोर्ट में पेशी आज। पीएफआई के 7 सदस्यों की भी कोर्ट में होगी पेशी। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी हैं। एजेंसियों को मिले खाते से विदेशी फंडिंग के सबूत। मामले पर एडीजे प्रथम कोर्ट में होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रऊफ शरीफ की मथुरा कोर्ट में आज पेशी होगी। बता दें, पूरा मामला पीएफआई के 7 सदस्यों की भी इस मामले पर पेशी होगी। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी है, इसको लेकर आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। एजेंसियों को सबूत भी मिले हैं विदेशी फंडिंग के। अगली बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब का कहर जारी है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। एसपी आकाश तोमर ने की कार्रवाई। उदयपुर थाना क्षेत्र को किया सस्पेंड। उदयपुर थाना इलाके में हुई 3 मौतें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जीएसटी वसूली के लिए तय किया जाएगा लक्ष्य। हर महीने लक्ष्य तय करने के निर्देश जारी। पहले चरण में अप्रैल मई का लक्ष्य निर्धारित। जो
अधिकारियों को दी गई कड़ी हिदायत। लापरवाही करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। तो फिर से एक बार बता दें, प्रतापगढ़ से हमें जहरीली शराब के चलते 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जहां पे एसपी आकाश तोमर ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या जहरीली शराब, जिस तरह से उदयपुर के जो वहां के पुलिस अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया, तो क्या उनकी मिलीभगत भी सामने आ रही थी या किन कारणवश उन्हें सस्पेंड किया गया है? जी मैडम, बता दें कि ये जनपद प्रतापगढ़ में लगातार जहरीली शराब से नए कारनामे, मृत्यु के नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ऐसे ही लगातार एक मामला आपने देखा होगा जनपद प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आ रहा है, जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अधिकारी शराब को माफियाओं को बिक्री से रोक रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आबकारी विभाग और पुलिस की मिली भगत से ही शराब बिक्री हो रही है, जिसकी वजह आप देख रही है कि लगातार एक नए घटनाएं हो रहे हैं और नए व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। जी तो इसके अलावा और क्या पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से, और शराब माफियाओं को रोकने के लिए एसपी द्वारा क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? जी मैडम, बता दें कि सूचना पाते ही पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा। एसडीएम लालगंज व एडिशनल एसपी एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर ने भी मामले को संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है और आबकारी विभाग के सेटों को लिखित तहरीर भी दी है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये अनुमान लगाया जा सकता है, जिस तरीके से जनपद प्रतापगढ़ में आप देखी होंगी कि शराब के मामले में प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से फेल समझ जा रहे हैं, जिसका नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी शुक्रिया ओम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत के बाद उदयपुर के अध्यक्ष थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी एसपी द्वारा कार्रवाई की गई है, हालांकि इसके अलावा भी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहाँ त्योहारों के बाद फूटा रायबरेली में कोरोना का दबाव। तो त्योहारों के बाद रायबरेली में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है। रायबरेली जिले में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डीएम की पत्नी भी हुई कोरोना पॉजिटिव। सभी को रेल कोच के L2 हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। कई लोग बिना लक्षण के ही आए कोरोना पॉजिटिव। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और उनके साथ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, उन पर क्या कुछ किस तरह से उनकी टेस्टिंग की जा रही है? रायबरेली डीएम की पत्नी भी आई कोरोना पॉजिटिव, तो क्या कुछ किया जा रहा है? तो त्योहार के बाद से जो है कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता न होने के कारण एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है और इसकी चपेट में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की पत्नी नेहा प्रकाश, जो खुद एक IAS है और माध्यमिक शिक्षा सचिव के पद पर तैनात है, उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और साथ में 15 लोग और उनके पॉजिटिव आए हैं, जिनको L2 हॉस्पिटल रेल कोच में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा क्या टेस्टिंग का स्तर और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? जिलाधिकारी महोदय स्वयं मीटिंग ले रहे हैं और सीमो भी है, 45 साल से ऊपर वालों को कल से टीकाकरण की बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायबरेली जिले में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें डीएम की पत्नी भी शामिल है। हालांकि इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। वही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।